नमस्कार दोस्तों, ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है जय भगवान और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पुलिस कर्मचारी इनको तंग करते हैं। जी हाँ, पुलिस कर्मचारी इनको तंग करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये काम करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फूल बेचने का काम करते हैं। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। ऐसा इन्होंने पुलिस कर्मचारी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। सीधी इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या घटना घटी आज? घटना ऐसा है जी, अब सुभाष चंद है 112 डायल नंबर 112। तो मैंने उनको कई दिन हो गए, 19 तारीख को बुलाया था जी, कॉल किया था, तो वो मौके पर पहुंचे, जो कि मेरे को धमकी मार रहे थे शरारती आदमी। उनको फॉलो करते हुए कहा भाई इनको रास्ते में ही पकड़ लेना, इसको इसके घर नहीं आना, ये बात तो उन्होंने कही, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नहीं बातचीत नहीं कही। और जी आज उस वाक्य से आज ये मतलब करीब 7:45 के करीब सुभाष जी आए, अब भाई 800 रुपये दे बोतल के 800 रुपये दे मेरे को। तो हमारी माता बैठी थी, गोपाल हमारा एक वर्कर भी बैठा था और एक दो बंदे थे। भाई आजकल काम मंदा है, वैसे ही मैं सुबह से बाहर गया हुआ था, अब आया हूँ, और उस संबंध में तो अब मैं पैसे आपको कहाँ से दूँ, तो मैं बैठा रहा। हमारी माता भी चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मांग ले। फिर मैं बाहर, वो गया बाहर से, मेरे को ऐसे ही सारा गया इधर आ, तो चलो एक अब देखे पैसे दे 300 रुपये दे हैं। फिर कहता 300 का आधा आएगा, चलो जी ठीक है जी। वो जिसकी मैं ये बाकायदा रिकॉर्डिंग भी की है, रिकॉर्डिंग हुई हुई है और मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी है, इनको दे दी है भाई साहब को। और नंबर दो, फिर उन्होंने मेरे से पैसे लेके मेरी जेब में थे भी नहीं, तो 200 रुपये मेरे से ज़बरदस्ती लेके कहता भाई हमने दारू पीनी है। जब दारू पी के हमारे पुलिसकर्मी ऐसे अगर रात को ड्यूटी गश्त करेंगे तो क्या संवेदनशीलता, क्या उनका मतलब वो रहेगा, क्या वो पब्लिक की सुरक्षा कर पाएंगे जब वो खुद ही ड्रिंक करे किए हुए होंगे। तो मैं तो माननीय अपने SP साहब गंगाराम पुनिया जी से यही अपील करना चाहूँगा, वे ऐसे पुलिसकर्मियों पर जो IPS हमारे गंगाराम पुनिया इतने अच्छे छवि वाले हैं, उनकी छवि को खराब करने पर लगे हुए हैं, इनको तुरंत प्रभाव से एक्शन से कोई ना कोई इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, ताकि दूसरे पुलिसकर्मियों को भी ये सबक मिले, वे गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग पीड़ित हों, आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं और कोई ऐसे काम करने पर मजबूर होते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम पब्लिक का कोई सुधार नहीं है। क्यों गुंडों की लोग शरण में चले जाते हैं? इसीलिए चले जाते हैं, गुंडे तो कहीं ना कहीं बचा लेते हैं, पुलिस तो और कहीं ना कहीं धक्का देके ही मार देती है। तो ये हाल है। कौन सी गाड़ी में आए थे पुलिस? 112 डायल नंबर 112 जी, डायल नंबर 112। देख लीजिए किस प्रकार से आरोप, गंभीर आरोप हैं। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायल 112। जी हाँ, डायल 112। गाड़ी का नंबर आपको पता है? गाड़ी का नंबर नहीं, जो हमारे हांसी चौक एरिया की गाड़ी है, जो हमने पंचकूला कॉल की थी और वो उस कॉल करने पर आई थी, तो उसी में सुभाष जी है। तो ड्रिंक की हुई थी उन्होंने? ड्रिंक तो कहते पर ड्रिंक करनी है हमने और पैसे दो। अच्छा, हाँ जी, ड्रिंक करी भी होगी पर मतलब और करनी है तो वो मतलब पैसे मांग कर ले गए। और कौन लोग थे उनके साथ? और दो लोग और थे, ड्राइवर था और एक इंचार्ज था शायद, ये सुभाष हवलदार है, इसने ही मांग की, उन्होंने मांग नहीं की। 800 रुपए की मांग की? हाँ जी, दुकान के अंदर कहा बोतल लेनी है 800 रुपए की, पिला दे जोन सी पिलावा 800 वाली 1000 वाली। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। तो किस बात के 800 रुपए, किस बात के? भाई उस दिन 112 पर डाल किया था, हम आए थे। अच्छा। जबकि कोई कार्रवाई नहीं की, कोई फॉलो नहीं किया और दुश्मन को फॉलो करके चले गए, इसको बाहर पकड़ लेना, इसको मार पीटना है बाहर पीट लेना। जब पुलिस अगर हमारा ऐसा काम करेगी, अगर मैं यूनियन प्रधान जय भगवान फ्लोरिस्ट एक प्रधान मौजूद हूँ, तो उस हिसाब से एक मौजूद आदमी को भी अगर बख्शा नहीं जाता तो आम गरीब एक छोटे से आदमी का क्या। तो उस बात को कितना समय हो गया जब आपने डायरेक्ट 112 पर फोन किया था? 21 को, 19/11, 19 तारीख 11वां महीना 21, 5:30 बजे मैंने कॉल किया था सदर बाजार चौक की भी, और मैंने वहाँ भी कॉल किया था, ऊपर से फिर ये आए थे, तो उन आदमियों को उनको कार्रवाई करने की बजाय उनको ऐसे खुले में छोड़कर चले गए और उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जी इसकी कार्रवाई कुछ बनती है? नहीं बनती, तो फिर मैंने इसकी दरखास्त रिटर्न में SHO City थाना में दी है, अब तक भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज आपने कितने पैसे दिए?
आज मैंने अब 200 रुपए लेगा जी, मेरे जेब में 200 रुपए पड़े थे। आपने 200 रुपए क्यों दिए? 200 रुपए मैंने कहा क्या तो कसूरवार है ना, मैं कसूरवार हूँ जी। अगर मान लिया जाए वो आ गया है, वो कहता है पैसे दे पैसे दे, मैंने तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग करने के लिए 200 रुपए दिए हैं। मैं ऐसे थोड़ी देता, मैंने रिकॉर्डिंग किया है बल्कि बाकायदा भाई 200 रुपए। हाँ मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ, और बाकायदा ये बात हुई है कि भाई मान लिया जाए, किसी को बताना मत, ये रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे, एसपी साहब सुन लेंगे, डीजी साहब पीके अग्रवाल जी सुन लेंगे, भाई आपके हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं एक फूल बेचने वाला इंसान, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। आप ये देख सकते हैं ये इनकी छोटी सी दुकान है, मेरे ख्याल से कितने बाई कितने 6 गज की है जी, 6 गज पूरी 6 गज की है। आप देख लीजिए ये हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, और मात्र 6 गज की दुकान है, और 6 गज की दुकान में ये भाई साहब यहाँ पर फूल बेचने का काम करते हैं। अब क्या तो ये कमाते होंगे, क्या ये खिलाते होंगे, क्या अपने परिवार वालों को खिलाते होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आरोप इन भाई साहब ने बहुत ही गंभीर लगाए हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि डायल 112 नंबर पर आज से कुछ दिन पहले इन्होंने कॉल किया था, और उसी के चलते ही आज डिमांड की गई। डिमांड कितने की गई? 800 रुपए की डिमांड की गई, जैसा इन्होंने आरोप लगाया है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वही दूसरी ओर करनाल जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि जो इस प्रकार से विभाग की छवि को कहीं ना कहीं खराब करते हैं, उन पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जब वो विभाग की छवि को खराब करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे कर्मचारियों पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और वही दूसरी ओर गृह मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाना चाहेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे हरियाणा भर में डायल 112 जो कि जनता की सहूलियत के लिए चलाई गई थी, और किस प्रकार से कई जनता ने, कई लोगों ने इसका फायदा भी उठाया और आज तक उठा रहे हैं, और गृह मंत्री का अनिल विज जी का हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं एक धन्यवाद भी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि विज साहब ने बहुत ही अच्छी सर्विस जो है हरियाणा वासियों को दी है। लेकिन डायल 112 के ही पुलिस कर्मचारी जब इस प्रकार से दुकानदारों से पैसा मांगेंगे, तो साहब फिर कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुकानदारों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं फूल बेचने वाले ये व्यक्ति हैं, ये दुकानदार हैं, फूल बेचते हैं, और किस प्रकार से ये दुकान के अंदर बैठे हुए थे और अचानक से डायल 112 के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। कितने कितने बजे का वाकया था ये? वाकया 7:45 बजे का है सर। 7:45 बजे का जी, बताइए। ये देखो कैमरे में फुटेज है उसकी, कब आया है, कब गया है। हाँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर जरूर लगवाए गए हैं। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने पैसों की आपसे डिमांड की थी? नहीं, जिस दिन आए उस दिन भी करी थी जी। अच्छा भाई, ऐसा ही सारा कुछ सेवा पानी में, सेवा पानी क्या करनी थी, क्या कार्रवाई करी आपने? कुछ भी नहीं करी। हाँ। ना उनको धमकाया ना कुछ, कहा क्यों आए इसके घर धमकी मारने। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के करनाल जिले की ये लाइव तस्वीरें हैं, और ये आप देख सकते हैं डायल 112 की जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, और किस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए हैं जो दुकानदार हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, डायल 112 पर आप फोन करते हैं, लेकिन फोन करने के बाद किस प्रकार से पेश आते हैं वो आपने जीता जागता उदाहरण वो जरूर यहाँ पर देखा है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, और आपने कोई रिकॉर्डिंग भी की है इसके अलावा, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है? ऑडियो रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी यहाँ पर जो है बात जरूर की जा रही है। और ये देखिए किस प्रकार से इनकी दुकान के अंदर जो है ये जो पुलिस कर्मचारी हैं वो फिलहाल जरूर दिखाई दे रहे हैं, और इनका गंभीर आरोप ये है कि इनसे पैसों की डिमांड की है। जी हाँ, इनसे पैसों की डिमांड की है, ऐसा इनका गंभीर आरोप है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वही दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि पुलिस की छवि को किस प्रकार से खराब किया जा रहा है, अगर जो कर्मचारी इस प्रकार से कार्य करते हैं तो कड़े से कड़ा एक्शन
जरूर लेना चाहिए। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे पुलिस की छवि को कहीं ना कहीं पुलिस की छवि जरूर खराब होती है। किस प्रकार से पुलिस, कई पुलिस ऑफिसर है जिनको हम दिल से सलाम करना चाहेंगे, किस प्रकार से वो जनता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार के जो पुलिसकर्मी इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं छवि जरूर खराब होती है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन सी है आपके पास? ऑडियो रिकॉर्डिंग है जी, मेरे पास है। ₹200 दे दे, वो आगे है, पूरी रिकॉर्डिंग है। हाँ टाइम लगेगा, 1-1.5 मिनट 2 मिनट भी है। पैसे मैं ले रहा हूँ, बताना नहीं। सुभाष चंद्र जी देखो, हम जो आपके छतर छाया है कदे गांधा फिर मैंने पैसे ले लिए। हमने किसको कहने जनाब जो मर्जी ले जाओ। अच्छा बस बस ले जाएंगे, कोई बात नहीं। और इससे पहले भी 200 रुपए दे, इसे आगे करनी पड़ेगी थोड़ी सी। दिखाऊं तो ये वीडियो, ये जो रिकॉर्डिंग है आपने करनाल के जो एसपी है गंगाराम पुनिया जी को भेजी आपने? नहीं, ये रिकॉर्डिंग जी ने अभी भेज रहा हूँ जी, मैं एसपी साहब को ही भेजना चाह रहा था सबसे पहले। तो थोड़े मोबाइल की खराबी हो गई थी, जा नहीं रही थी, तो थोड़ी इस करके लेट हो गए जी, इतने आप ही पहुंच गए जी। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या इससे पहले भी आपको परेशान किया जाता था? ये तो मेरे को नहीं जी, कहीं जो गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, पूरा इंसाफ नहीं मिल पाता, जो कि लोग मरने पर आज मजबूर हैं। सीएम सिटी में मैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब से और डीसी साहब और जो मालिक हैं जिले के एसपी साहब हमारे, उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को सुधारें, कुछ गरीब आदमी मिडल मैन आदमियों को रिलीफ मिले और जो चैन की सांस करनाल सीएम सिटी में ले सके। तो आप इसकी शिकायत देंगे? आप इसकी शिकायत देंगे जी, रिटर्न में देंगे, और बाकी तो अफसरों को पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो देखो खट्टर साहब तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी। बिल्कुल, मेरा मानना तो यही है। एसपी साहब से मिलेंगे तो आप मीडिया कर्मियों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप एक दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हो। एसपी साहब से मिलेंगे आप? हाँ, एसपी साहब से मैं कल मिलूंगा 11 बजे, इस संबंध में ऐसे पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, यही मैं अपील करना चाहूंगा। नाम है आपका, कहाँ पर ये दुकान है आपकी? मैं दी फ्लावर वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान हूँ। अगर मैं एक मौजूद होने के नाते मौजूद एक प्रधान होने के नाते अगर मैं एक जायज आवाज नहीं उठाऊंगा तो लोगों पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे, जो कि अब किसी को भी पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा, क्योंकि आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लोग आधे से ज्यादा के 99% जो है आवाज नहीं उठा पाते, दबे कुचले लोग हैं, जुर्म अत्याचार को सहन करते रहते हैं, मरे रहते हैं, करते रहते हैं, यही बुरा हाल हुआ है सीएम सिटी करनाल में जी। क्या नाम है आपका दुकान? जय भगवान है जी, जे बी आर्ट्स के नाम से मेरी शॉप है जी। दुकान किस जगह है? ये हाँसी चौक पे सर जी, हाँसी चौक जी। तो ये आप देख सकते हैं, डिजिटल इंडिया में हम जीते हैं। तो डिजिटल इंडिया में हम क्या जीते हैं साहब, फूल वालों को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? जब ये ऐसे ऐसे प्रधानों के साथ ये हाल हो रहा है तो आम नागरिक का क्या होता होगा? जब इनसे पैसे मांगे जाते हैं, इन जैसों के साथ ये हाल है, तो आम जनता के बारे में क्या वो जानेंगे? प्रधान तो चलो ये है ही है, लेकिन ये तो भाई साहब फूल बेचने का काम करते हैं।
कोई इनका दारू का ठेका तो है नहीं, कोई इनका होटल तो है नहीं। फूल बेचने वालों का ये हाल हो चुका है आजकल, तो ये लगा लो कि जब छोटे से दुकानदार के साथ ये हाल है तो बड़े बिजनेसमैन कितने परेशान होंगे, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब कोई चालान काटने के नौबत आते तब ये चौंकों पे मिलेंगे आपको चालान कटते, जब कोई वारदात या कुछ हो जाए तब या तो इनके सीसीटीवी कैमरे नहीं चलते या फिर इनको वहां पे मौजूद नहीं होते। और कई बार जाम की सिचुएशन इतनी लगी होती है शहर के अंदर तब भी कोई नहीं होता वहां पे। क्या कहना चाहेंगे गंगाराम पुनिया जी को? हम तो गंगाराम पुनिया जी से यही अपील करेंगे कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भाई साहब के साथ इंसाफ होना चाहिए, जो कि आज इनके साथ होगा तो कल को हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक गरीब इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो बिल्कुल जय भगवान जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक फूल बेचने वाले को भी नहीं छोड़ा जा रहा, 800 रुपए की डिमांड की जाती है लेकिन इस फूल वाले भैया ने 200 रुपए दिए, जो कि गलत है, नहीं देने चाहिए थे। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी। रिकॉर्डिंग क्या करनी थी? रिकॉर्डिंग करनी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग की गई और वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी फुटेज भी जो है इन लोगों ने संभाल कर रखी हुई है। सुबह एसपी साहब से मिलने की बात की जा रही है और शिकायत भी दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये हांसी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हांसी चौक पर जो फूल वाले भैया हैं ये आप देख सकते हैं, ये फूल वाले भैया हैं और किस प्रकार से फूल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दुकानदार हैं। भैया कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पर फूल खरीदने के लिए? मुझे आते हुए आज 8-9 साल हो चुके हैं, मैं इन्हीं के पास आता हूँ। हाँ जी, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना कमेंट जरूर डालिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, बड़ी खबर हरियाणा के करनाल जिले से जहां पर आप डायल 112 को फोन करते हैं। फोन इसलिए करते हैं जो आपके साथ कोई अत्याचार होता है और तुरंत जो है डायल 112 आ जाती है। हम कहीं ना कहीं अनिल वीर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही अच्छी सर्विस उन्होंने दी, और सल्यूट करना चाहेंगे उन कर्मचारियों का भी सल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने किस प्रकार से नहर से डूबते हुए लोगों को बाहर निकालने का भी काम किया, और उन ऑफिसरों को भी सल्यूट करना चाहेंगे जो दिन रात जो है अपनी ड्यूटी देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जब इस प्रकार से कार्य करते हैं तो विभाग की छवि को खराब करने का जो काम करते हैं वो सरासर गलत है, इस पर कड़े से कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। तो ये जय भगवान है किस प्रकार से इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक इस बात को पहुंचाया जा सके। लगातार इस खबर को आप शेयर जरूर कर दें, अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल जी 24। वही दूसरी ओर करनाल जिला पुलिस अधीक्षक करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग गंभीर आरोप लगाते हैं जांच जरूर होनी चाहिए, और अगर निष्पक्ष जांच आप करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल जी 24।